नमस्त संस्कृताय मित्रों, संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। और आपके लिए जो आज पेपर हुआ है सीटेट का, उस सीटेट के पेपर का हल करने की मैं कोशिश करूंगा। और मैं बात सिर्फ इसलिए आपसे ऐसा कह रहा हूं कि 15 प्रश्न इसमें आते हैं शिक्षण से, संस्कृत शिक्षण से जो सवाल पूछे जाते हैं उनके लिए मैं बहुत श्योर तो नहीं हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो उत्तर सही होगा, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको मुझे आपसे बातचीत करनी। तो आइए हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं। ये प्राथमिक स्तर का पेपर है सीटेट का। सीटेट में भी दो पेपर होते हैं, एक प्राथमिक स्तर का, एक उच्च प्राथमिक स्तर का। जो हमारे सामने पेपर हो प्राथमिक स्तर का है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कैमरा। अभ्यर्थिना प्रथम भागस्य, ये पंचम भागस्य प्रश्नानाम, यानी 121 से 150 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। यदि तई संस्कृतम द्वितीय भाषा रूपेण चितम, यदि उन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को लिया हो तो यहाँ से 121 से 150 तक के उत्तर आपको देने हैं, यानी लगभग 30 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। यहाँ लिखा था का अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर तदाधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरेषु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। मतलब सिर्फ ये हुआ कि पहले आप गद्य को पढ़िए, गद्य को पढ़ करके उचित उत्तर दीजिए। तो वृद्धा पिता स्वपुत्रान कृषिकर्मणा संचालना, एक वृद्ध पिता अपने पुत्रों को कृषि कर्म में लगाने के लिए भूयो भूय प्रेरित, बार बार प्रेरित करता है। किंतु सर्वेपि अलसाह पुत्रा, किंतु सभी आलसी पुत्र न श्रृणवंती, उसकी बात को सुनते नहीं है। एकदा सा वार्धक्य जनितेन रोगेण ग्रस्ता शय्यासीनो जाता, एक बार वो वृद्धावस्था के रोग से ग्रस्त होकर के खटिया ले लिया। शय्यासीन का मतलब लेट गया, मतलब बीमार हो गया। और सा कलह मानेषु पुत्रेषु, और फिर झगड़ने वाले पुत्रों में संगबद्धताया महत्वम बोधना, एकता की महत्व को बताने के लिए उपायम अचिंतित, उपाय सोचने लगा वो बूढ़ा बाप, उपाय सोचने लगा कि हम अपने पुत्रों को एकता में रहने की क्या शक्ति है, संघ शक्ति क्या होती है, इसको बताने के लिए उपाय सोचने लगा। सर्वान अपि पुत्रा ना हुई, सभी पुत्रों को बुलाकर सह एकस्मै सुबद्धम, एक जो बहुत जगहों से बंधा हुआ था ऐसे दंड चतुष्टयम दत्वा, चार दंडों का समूह बढ़िया से बांध करके वो दिया। और तुम एनम भंजय, एक पुत्र को बुला के बोला कि इसको तुम तोड़ो। सा कथमपि भंगतुम ना अशक्नोत, वो किसी भी तरह से तोड़ नहीं पाया। भंगतुम ध्यान रखना, तुमन प्रत्यय लगा इसमें, और आहुई में लेप प्रत्यय, आहुई मने बुलाकर। तदा अपरा पुत्र तथा वादिष्टा, इसी प्रकार वो कथमपि भंगतुम ना अशक्नोत, वो उसको तोड़ नहीं पाया। इसके बाद दूसरे पुत्र को बुलाया गया, वही आदेश दिया गया। सोपि तद्दंड चतुष्टयम् भंगतुम समर्थो न जाता, वो भी जो चार दंडों का समूह एक साथ बंधा हुआ था, दूसरा वाला पुत्र भी आया, उसको तोड़ नहीं पाया, खंड खंड नहीं कर पाया। इयमेव दशा अपर द्वयोः पुत्रयोः अपिवत, यही दशा अन्य दो पुत्र जो उसके थे, चार पुत्रों में से दो तोड़ चुके, नहीं तोड़ पाए, फिर दो को बुलाया, वो भी नहीं तोड़ पाए। तदा वृद्धा पिता सुबद्धम दंड चतुष्टयम्, इसके बाद वो जो उनके बूढ़े पिता थे, जो अच्छी तरह से चार दंड एक साथ बंधे हुए थे, उनको निर्बध माने खोल करके एक एकम दंडम पुत्रेभ्यः दत्तवान, एक एक दंड सभी को दिया, माने दंडा दिया अलग अलग करके। तम दंडम चोटयितुम सा सर्वान आदिष्टवान, उस दंडे को तोड़ने के लिए वो सबको बोला। सर्वे पुत्रा स्वहस्ता स्थितम दंडम भंगतुम समर्था अभवन, सभी पुत्र जो एक एक दंडा अलग अलग पाए थे उसको तोड़ दिया। तदा पिता कथितवान, तब पिता ने कहा, यदि यूयम पृथक पृथक तिष्ठत, यदि तुम लोग, यूयम ये बहुवचनांत रूप है, मध्यम पुरुष बहुवचन का युष्मत् शब्द है। तदा कश्चित शत्रु, यदि आप लोग अलग अलग रहोगे तो कोई शत्रु युष्मान एकैकान विनाशयिष्यति, कोई शत्रु तुम लोगों को ऐसे ही विनष्ट कर देगा अलग अलग रहोगे तो। और यदि यूयम सर्वे मिलित्वा, यदि तुम सब लोग मिलकर सुबद्धा तिष्ठत, यदि एक साथ रहोगे संगठित रहोगे, तदा कोपि बाह्य जना युष्मान विनाशय तुम समर्था न भविष्यति, तो कोई भी बाहरी पुरुष तुम्हें समाप्त नहीं कर पाएगा, विनष्ट नहीं कर पाएगा। तस्मात् दिवसात, उसी दिन से सर्वेपि चत्वारः पुत्रा, सभी चारों पुत्र स्व स्व विचारान त्यक्त्वा, अपने बुरे विचारों को छोड़कर परस्परम मिलित्वा गृहे अवशन, मिल करके घर में रहने लगे। पितरंच सेवया स्वस्थम अकुर्वन, और अपनी सेवा से अपने पिता को स्वस्थ कर लिया। ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना आवश्यक है और अर्थ भी जानना आवश्यक है ताकि आगे प्रश्नों का आप उत्तर दे पाएं। 121वां प्रश्न है कि सुबद्धम दंड चतुष्टयम् कथं कृत्वा एकैकम् दंडम् पिता पुत्रेभ्यः अयच्छत्। मतलब हुआ कि जो सुबद्धम दंड चतुष्टयम्, जो बढ़िया इकट्ठे हुए थे, अच्छे से बंधे हुए थे ऐसे दंडों को, क्या करके, कथम कृत्वा, क्या करके एकैकम दंडम, एक एक दंड को पिता ने पुत्रेभ्यः अयच्छत, पुत्रों को दिया। तो जो सुबंध दंड चतुष्टय था, अच्छे से संगठित था, बंधा हुआ था, उसको निर्बध्य माने खोल करके उसने दिया।
सारों को क्या कर दिया, खोल दिया, अलग अलग कर दिया, जो चारों दंड एक साथ बंधे हुए थे उसको निर्बंध करके दिया। तो सुबद्धम दंड चतुष्टयम कथं कृत्वा एकैकम दंडम पिता पुत्रेभ्य अयच्छत्। तो आपको निर्बंध करना है, 121 का तीसरा आप सही कर सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यूयम इति पदम, 122वां प्रश्न है, यूयम इति पदम कस्मिन पुरुषे अस्ति। तो ये सब आप जानते हैं, यूयम में ये मध्यम पुरुष का है, यूयम कहाँ का है, मध्यम पुरुष, हाँ, उत्तम पुरुष, वृद्ध पुरुष की, प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष। तो ये यूयम ये जो पद है ये युष्मत शब्द का है, ये मध्यम पुरुष का है और बहुचनांत है, त्वम युवाम यूयम। तो ये आपको मध्यम पुरुष सही कर लेना है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न मिलेगा, गृहीत्वा इति पदस्य विपरीतार्थक पदम अनुच्छेदेस्मिन प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। मतलब गृहीत्वा ये जो पद है इसका विपरीतार्थक पद लिखना है, यानी विलोम आपको लिखना है इस अनुच्छेद में, गृहीत्वा पद का विलोम क्या प्रयुक्त है। गृहीत्वा माने लेकर, गृहीत्वा माने लेकर, और त्यक्त्वा माने त्याग कर यानी छोड़कर। तो गृहीत्वा का मतलब हुआ स्वीकार करके और त्यक्त्वा का मतलब हुआ छोड़ करके, त्याग करके। तो त्यक्त्वा आप इसका उत्तर सही कर लीजिए, ये आप सबने सही भी किया होगा। फिर भी गृहीत्वा इति पदस्य विपरीतार्थक पदम जो यहाँ पर प्रयुक्त होती है, यहाँ देखिए त्यक्त्वा पद प्रयुक्त है यहाँ पर, और ये अनुच्छेद में प्रयुक्त पद पूछ रहा है कि गृहीत्वा का विपरीत क्या होगा, तो त्यक्त्वा आपको लगा लेना है। आगे यदि आप बढ़ेंगे तो प्रश्न मिलेगा, स्वपुत्रान भूयो भूयः कः प्रेरयति। अपने पुत्रों को बार बार कौन प्रेरित करना चाहता है, कौन संगठित करना चाहता है, कौन समझाना चाहता है, भ्राता की मित्र की माता और की वृद्ध पिता। तो आप ये जानते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो एक बूढ़ा पिता अपने चारों बेटों को बार बार एकता का पाठ पढ़ाना चाहता है। तो स्वपुत्रान भूयो भूयः कः प्रेरयति, तो वृद्धा पिता उत्तर हो जाएगा। फिर आवाहनं कृत्वा इत्यर्थे कः शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः। आवाहनं कृत्वा इसके लिए कौन सा शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है, ऐसा आवाहनम करता हूँ मैंने बुला करके अपने पास बुलाया, तो आज्ञापयत के धावत के आदिशत तो आहुई, ये आपको लगाना है, आहुई सही होगा। आवाहनम करता हूँ मैंने बुला करके, आहूत करके, तो आहुई का मतलब ही हुआ आवाहन करके, या आहुई माने बुला करके। तो आवाहनम कृत्वा इत्यर्थे कः शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः, तो आपको लिखना है चौथा आहुई इसका सही हो जाएगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, अधो लिखितेषु पदेषु तुमुन प्रत्ययान्तं पदं चिनुत। नीचे लिखे हुए पदों में से तुमुन प्रत्यय वाला पद कौन, देखिए लिखित्वा में इक्त्वा है, भुंक्त्वा में मिता है, पीत्वा में इक्त्वा प्रत्यय है, पूछ रहा है तुमुन प्रत्यय किसमें है, तो ये आप सही सही जानते हैं, भंगतुम तोड़ कर, तोड़ने के लिए, भंगतुम तोड़ने के लिए, लिखित्वा माने लिखकर, भुक्त्वा माने खाकर, पीत्वा माने पीकर, इन सब में इक्त्वा प्रत्यय है, पूछ रहा है कि तुमुन प्रत्ययांत पद लिखना है, तो भंगतुम आप सही कर लीजिए, ये उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो लिखे लिखा है, अधो लिखितेषु पदेषु क्त्वा प्रत्ययान्तं पदं चिनुत। क्त्वा प्रत्यय किसमें है, देखिए अनुशासन में लिट प्रत्यय है, आदाय में लेप प्रत्यय है, दृष्टु में तुमन प्रत्यय है, और दत्वा में क्त्वा प्रत्यय है। क्या है, क्त्वा प्रत्यय, दत्वा, यही सही हो जाएगा। समझ में आ गया, अधो लिखितेषु पदेषु क्त्वा प्रत्ययान्तं पदम आपको ढूंढना है, तो दत्वा में क्त्वा प्रत्यय है, अनुशासनम में अन उपसर्ग पूर्वक शास धातु से ल्युट प्रत्यय है, ल्युट के यु को अन आदेश हो जाएगा। अनुशासनम में कौन सा प्रत्यय है आपको, ल्युट, और आदाय में आप जानते हैं अंग उपसर्ग पूर्वक द धातु से क्या है, लेप, और दृष्टुम में तुमुन, ठीक है। चलिए हमें आपको यहाँ पर त्वा प्रत्यांत पद पूछ रहा है, तो त्वा प्रत्यांत पद किसको लिखेंगे, दत्वा को। आगे बढ़ूँ, पुत्रेभ्य इति पदे अनुच्छेदानुसारेण का विभक्ति। पुत्रेभ्य इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो पुत्रेभ्य में चतुर्थी का बहुवचन है, तो आप इसको सही कर लीजिए, दूसरा चतुर्थी का बहुवचन सही हो जाएगा, कर लेंगे। 128 प्रश्न हो गए ना जी, चलिए आगे बढ़ता हूँ। 128 के बाद 129 कहाँ गया, अच्छा 128 के बाद ये पैराग्राफ खत्म हो गया ना, ये दूसरा पैराग्राफ, अच्छा दूसरा पैराग्राफ, चलिए दूसरा पैराग्राफ जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। पहले अधो लिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर, तदाधारित प्रश्नानाम, उसके आधार पर प्रश्नों का, विकल्पात्मक उत्तरेभ्य, विकल्पात्मक जो उत्तर, चार विकल्प जो दिए गए हैं उनमें उचित तमम उत्तरम चित्वा लिखित, जो सबसे ज्यादा उचित हो, जो सबसे ज्यादा परफेक्ट हो, सबसे ज्यादा अच्छा हो, ऐसा उत्तर आपको लिखना है। चलिए कहानी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। एकदा दरिद्रेभ्य दातुम कम्बला नृपेण चाणक्याय समर्पिता। एक बार दरिद्रों को देने के लिए कम्बल राजा ने चाणक्य को दिया, राजा चंद्रगुप्त ने चाणक्य को कंबल दिए कि किसको बांटना है, किसको बांटना है, गरीबों, हाँ गरीबों को, दरिद्रों को। चाणक्य से उठजम, चाणक्य का जो कुटीर था
वो नगरात बही आसीत, वो नगर से राजनगर से थोड़ा सा दूर था। केचन चौराह कुछ चोर कम्बलान अपहर्तुम चिंतितवंता, कुछ चोरों ने सोचा कि चलो नगर के बाहर हैं, चाणक्य अकेले रहते हैं, वहीं चल करके सभी कम्बलों को उनका हम चुरा लेते हैं। ऐसा सोचते हैं ते रात्रौ चाणक्य से उटजम प्राविशन, वे लोग रात में उटज में प्राविशन माने प्रवेश कर, प्राविशन को ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन करते चलिए बाद में आपके काम आएगा, प्राविशन को ध्यान रखिएगा, निपेण को ध्यान रखिएगा, पार्श्व को ध्यान रखिएगा। तो चाणक्य से उटजम प्राविशन चाणक्य के कुटीर में प्रवेश कर जाते हैं, कौन चोर कब प्रवेश करते हैं, रात में। तत्र अतीव शैत्यम आसीत, बहुत ठंड थी। अच्छा ठंडी में ही कंबल बांटे जाएंगे और कब बांटे जाएंगे, ये दिसंबर जनवरी का अच्छा महीना है, आप इसी में कंबल बांटिए। और लेकिन कुछ चोर होते हैं कंबल ही चुरा लेते हैं, देखिए यहाँ पर घुस गए चोर चुराने कंबल। और चाणक्य से या तत्र अतीव शैत्यम आसीत, चाणक्य कटे सुप्ता आसीत, चाणक्य कहाँ सोए हुए थे, चटाई में सोए हुए थे, कट माने चटाई, कटे सुप्ता आसीत, कौन चाणक्य। और पार्श्वे कंबला नाम राशि आसीत, और बगल में ही कंबलों की अच्छी खासी ढेर लगा हुआ था, हजारों कंबल रखे हुए थे लेकिन कंबल में ना बिछाया ना कंबल को ओढ़ा, चाणक्य चटाई बिछा करके लेटे हुए थे। चौराणाम आश्चर्यम, चोरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे बाप रे, बताओ इतना बड़ा कंबल रखा है, हजारों कंबल रखे हैं, लाखों कंबल रखे हैं, लेकिन चटाई बिछा करके इतनी ठंड में भी चाणक्य चटाई बिछा करके सो रहे हैं। चाणक्य कंबलम बिना निद्राम करो थी, चाणक्य कंबल के बिना निद्रा कर रहे थे। चौराह चौर कर्मम न कुर्वन, चोरों ने चौर कर्म नहीं किया, चुराया नहीं, बल्कि ते चाणक्यम प्रबोधित बनता, उन्होंने चाणक्य को जगाया, चोरों ने चाणक्य को जगाया। और चौराह चोरों ने कहा चाणक्य महोदय, पार्श्वे कंबला नाम राशि, बगल में आपके इतने सारे कंबल रखे, शीत कालोपि वर्तते और इतनी ठंडी, तथापि त्वम किमर्थम भूमौ शयनम करोश, फिर भी आप भूमि में शयन क्यों करते हैं, कहाँ शयन कर रहे थे, चाणक्य भूमि में शयन कर रहे थे। तद वो चोरों ने पूछा कि महाराज इतने सारे कंबल हैं, इतनी ठंडी पड़ रही है आपके पास, इतने सारे कंबल हैं, कुछ बिछा लेते, कुछ ओढ़ लेते, चाहे तो 10-15 तो कंबल बिछा लेते, 15-20 तो ओढ़ लेते ठंडी में, क्यों आर्यन जी। लेकिन नहीं, कहाँ सो रहे थे, भूमि में चटाई बिछा कर सो रहे थे। चाणक्य उक्तवान, चाणक्य बोले कंबला दरिद्रेभ्या दानाय नृपेण दत्ता, राजा ने दिया है कंबल और किसके लिए दिया है, दरिद्रों के लिए दिया है, तो क्या चाणक्य दरिद्र हैं क्या, गरीब हैं क्या, और फिर जिसके लिए कंबल आए उसको देना है, हम क्यों यूज करें। और स्वप्रभाते वितरणम करिष्यामि, कल सवेरे में वितरण कर दूंगा, तेषाम उपयोगाय नास्ति मम अधिकारा, इन कंबलों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा किसने कहा, चाणक्य। इति श्रुत्वा चौराणाम लज्जा उत्पन्ना, ये सुनकर के चोर बहुत लज्जा गए, चले कम से कम लज्जालु चोर हैं, यही बहुत अच्छा है, तब के चोर भी अच्छे हुआ करते थे, कम से कम शर्म तो आई कि कंबल नहीं चुराना होता, और यहाँ तो आप ही को चुरा ले जाएं, ऐसे ऐसे चोर हैं खासकर प्रयागराज में। इति श्रुत्वा चौराणाम लज्जा उत्पन्ना, अन्येषां वस्तूनां उपयोगेन अधर्मः भवति, उनको समझ आया कि दूसरे की वस्तु का उपयोग करना भी क्या है, अधर्म है। अब यहां से आपने पढ़ लिया, इसके बाद देखा दरिद्रेभ्यः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अनुच्छेदम आधृत्य लिखत, दरिद्रेभ्यः में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है, तो निश्चित रूप से कौन सी विभक्ति इसमें, हाँ चतुर्थी का बहुवचन है, तो यहाँ वचन नहीं पूछ रहा है केवल विभक्ति पूछ रहा है, तो आपको दरिद्रेभ्यः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अनुच्छेदम आधृत्य लिखत, 129 का दूसरा आप सही कर ले, अगले आगे बढ़ेंगे। तो सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत, सायंकाल के लिए इस अनुच्छेद में सायंकाल का विलोम के रूप में कौन सा शब्द है, तो प्रभाते, लिखा ना कि प्रभाते वितरणम करिष्यामि, तो सायंकाल का विलोम क्या होगा, प्रभाते, तो ये विलोम शब्द है प्रभाते, 130 का आप ए सही कर लीजिए। अगला आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और प्रश्न मिलेगा, 131वां, इधर आ जाइए हमारे हाथ के सामने, चाणक्याय कंबलाह केने दत्ता, चाणक्य को कंबल किसने दिया, सेवक ने कि चोर ने कि मनोहर ने कि राजा ने, क्या कहूँ, क्या सही हो जाएगा, हाँ बिल्कुल निपेण सही हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके उत्तर के लिए आप निपेण सही कर लीजिए, चौथा उत्तर सही होगा निपेण। फिर प्रवेशम अकुर्वन, प्रवेश कर गए, इति पदस्य कृते, इस पद के लिए, किम पदम अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्ता, कौन सा पद इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है जिसका अर्थ है प्रवेशम अकुर्वन, तो प्राविशन एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, प्राविशन आप देख लीजिएगा अनुच्छेद में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा प्राविशन, प्रवेशम अकुर्वन, इस पद के लिए कौन सा पद इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है, तो प्राविशन आप इसका उत्तर सही कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न कहाँ गया, 132 के बाद, ये 133।
133 सुप्ता इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्त है। सुप्ता में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त, जैसे पठिता में कता है, लिखिता में कता है, वैसे ही सुप्ता में कौन सा प्रत्यय, कता प्रत्यय, बिल्कुल सही चल रहे हैं। 134वें में आइए, समीपे इति पद से समानार्थक समीप के लिए, समीप शब्द के लिए, समीप शब्द के लिए इस समानार्थक शब्द, समीप का समानार्थक माने पर्यायवाची, समीप शब्द का पर्यायवाची जो इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है वो कौन सा है, तो यहाँ लिख दिया पार्श्वे। क्या लिखना है, पार्श्वे माने समीप में। 134 प्रश्न आप सही कर गए, बोलो हाँ या ना। चलिए 135 इधर है, 135वां प्रश्न इधर देखिए, आओ 135। चाणक्य कुत्र शयनम करोति स्म, चाणक्य कहाँ सो रहे थे, जल में कि भूमि में कि पर्यंक में, मतलब बढ़िया डनलप का गद्दा लगा हुआ था कि वृक्ष में, तो कहाँ सो रहे थे, भूमौ, भूमौ सप्तमी के, चाणक्य कहाँ सो रहे थे, भूमौ। अगला अगला प्रश्न, अधस्तनेषु किम भाषादि ग्रहण, हो गया 135 खत्म हो गया। अच्छा अब देखिए, यहाँ तक तो हमारा बस था, अब इसके आगे जो मैं बताऊंगा उसमें मैं स्वयं आश्वस्त नहीं हूँ, मैं ना बीएड हूँ ना एमएड हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है, हमारी टीम ने हमारी सहायता की है इसमें, खासकर बजरंगी सर ने और निर्मोही सर यानी अरुण पांडे जी, तो उन लोगों का इसमें बहुत रोल है। मैं आपको फिर से क्लियरली बता दूं कि जो मैं अब 136 के बाद प्रश्नों को हल कर रहा हूं उसमें मेरी बहुत ज़्यादा गति नहीं है, पर मुझे जो समझ आया मैं आपको कर रहा हूं। अधस्तनेषु किम भाषादि ग्रहण और अधिगम में मूलभूत पार्थक्य क्या है, तो मुझे ये बताया गया कि सर इसमें मूलभूत पार्थक्य क्या है, प्रवाह और शुद्धता यानी फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम, इन दोनों में मूल अंतर पूछ रहा है। जो मुझे पता चला, जो मुझे डिसाइड किया गया, जो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि ये सही होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इनमें हम आपको 100% की गारंटी नहीं दे सकते। तो 136 का आप तीसरा सही कर सकते हैं। 137वां है कि मातृभाषा या संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टिया अधोलिखितेषु का उक्ति ना समीचीना, ध्यान रखना कौन सी उक्ति नहीं समीचीन है, ऐसा पूछे जाने पर चारों का जब मैंने उत्तर पढ़ा तो मुझे लगा कि द्वितीय भाषा या उपेक्षाम कर्तुम मातृभाषा सहायम करोति। देखिए द्वितीय भाषा की उपेक्षा करने के लिए मातृभाषा सहायता करती है, ये मातृभाषा का जब आप संसाधन की दृष्टि से प्रयोग दृष्टि अधोलिखितेषु कौन सी उक्ति समीचीन नहीं है, तो जब उक्ति समीचीन नहीं है पूछ रहा है, तो शिक्षण विधि नाम विस्तारार्थम मातृभाषा सहायम करोति, ये उक्ति तो समीचीन है, वो पूछ रहा है कौन सी उक्ति समीचीन नहीं है। जब उक्ति ना समीचीना लिख रहा है और ये बालकों के अधिगम के चिंतन के संप्रेषण में सहायता करती है, तो बिल्कुल मातृभाषा सहायता करती है। और तेषाम अर्थबोध प्रक्रिया या मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निभाती, बच्चे की अर्थबोध की क्षमता को विस्तृत करने के लिए मातृभाषा गुणात्मक भूमिका का निर्वहन करती है, ऐसा मुझे लगता है कि ये है, ये भी है और ये भी है। यहाँ लिखता है कि मातृभाषा या संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टि अधोलिखितेषु कौन सी उक्ति समीचीन नहीं है, तो जब नहीं है पूछ रहा है तो मुझे लगता है कि ये दूसरा वाला सही होना चाहिए, ऐसा जो मुझे समझ में आया मैं आपसे कह रहा हूँ। फिर भी यदि मान लो किसी को लगता हो कि नहीं सर हम गलत बता रहे हैं, तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो इसको पढ़े ही नहीं हैं, इसीलिए ना हम सीटेट अपनी कक्षाओं में नहीं पढ़ा पाते हैं, चूँकि इसमें जो शिक्षण होता है वो हमारे बस का नहीं है। हम सामान्य छात्र हैं, सामान्य शिक्षक हैं संस्कृत के, और ये सब चीज़ें जो बहुत जो लोग शिक्षण किए हैं, बीएड किए हैं, एमएड किए हैं और शिक्षण से पीएचडी वगैरह किए हैं, शायद ये उनका अच्छे से वो उस विषय को समझते होंगे। फिर भी जो मुझे लगा तो मैं अपनी दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम, प्राथमिक स्तर में बालकों की भाषा के विकास के लिए सर्वतो महत्वपूर्णमस्ति, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये तो इसका अर्थ है। तो प्राथमिक स्तर में बालकों की भाषा विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है कि भाषा या पाठ्य पुस्तकम, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर में पाठ्य पुस्तक का बहुत रोल नहीं होता है। बालस्य आकलनम अथवा व्याकरणस्य ज्ञानम, व्याकरण का ज्ञान तो एकदम नहीं होना चाहिए। पूछ रहा है कि बालस्य भाषा विकासार्थम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो मुझे लगता है कि भाषा समृद्धम वातावरणम, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, भाषा समृद्ध वातावरण, चूँकि घर में बच्चा को जो जिस भाषा का वातावरण आप देंगे, यदि आप देखें कि इंग्लैंड में अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी जल्दी सीख लेता है, फ्रांस में फ्रेंच बच्चा अपने माता पिता के सहयोग से संपर्क से उसको वातावरण फ्रेंच का मिलता है तो जल्दी सीख लेता है। और मैं अपने घर की बात करता हूँ कि हम पति पत्नी मिलकर के जो संस्कृत का माहौल बनाए हैं घर में, उससे हमारे बच्चे संस्कृत जल्दी से सीख लिए। उनको कोई व्याकरण का ज्ञान नहीं, उनको कोई भाषा की पाठ्य पुस्तक नहीं दी गई, लेकिन भाषा समृद्ध वातावरण दिया गया। तो प्राथमिक स्तर में बालकों को भाषा के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ऐसी दृष्टि में मुझे लगता है कि भाषा समृद्धम वातावरणम, ऐसा उत्तर होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो पत्राधानम, यहाँ क्या लिखा है, पत्राधानम पोर्टफोलियो एकम उदाहरणम अस्ति। पोर्टफोलियो किस चीज़ का उदाहरण है, ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्या उत्तर लगाया जाए, पर जो हमारी टीम हमें सजेस्ट करती है कि शायद ये सही होना चाहिए, मैं बिल्कुल इस पर आश्वस्त नहीं हूँ। मुझे नहीं पता पत्राधान क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, इसका क्या उदाहरण हो सकता है, ये शायद आप हमसे ज़्यादा बेटर अच्छे से जानते होंगे, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। पर स्वतः आकलन ऐसा लोग कह रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको मर्जी हो इसमें आप कर लीजिएगा। अब आगे आगे जो जिस पर मैं थोड़ा बहुत आपसे बातचीत कर सकता हूँ उनकी बात करता हूँ। वर्ग प्रहेलिका क्रीड़ा वर्धयति। वर्ग प्रहेलिका जो खाने खाने होते हैं, आपने पेपर वगैरह में देखा होगा कि खाने बने होते हैं उसमें कोई शब्द आपको भरना होता है, तो मुझे लगता है कि वर्ग प्रहेलिका ये क्रीड़ा आपके शब्द ज्ञान को बढ़ाने वाली होती है। तो इसका उत्तर शब्द ज्ञान आप कह सकते हैं। श्रवण कौशल लेखन कौशल का उससे ज़्यादा संबंध नहीं होता और साहित्यिक अर्थ में भी उससे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैच करना, लेकिन शब्द ज्ञान होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। फिर अगला है कि संभाषण कौशल से गतिविधि है आकलन समय। जब आप संभाषण कौशल की गतिविधि का आकलन करते हैं तो कौन सी चीज़ आवश्यक, ना आवश्यकम, क्या लिखा है, हाँ तो ना आवश्यकम को आपको समझना है, ना लिखा है। भाषण स्पष्टता, जब आप किसी के संभाषण कौशल की गतिविधि का आकलन कर रहे हैं तो उसकी भाषण की स्पष्टता होनी ही चाहिए, यहाँ ना आवश्यकम पूछा, ये आवश्यक है। ध्वनि नाम शब्दानाम उच्चारणम, ये आवश्यक है। संदर्भे आगतानाम शब्दानाम उचित रूपानाम प्रयोग, ये भी आवश्यक है। यहाँ पूछ रहा है कि संभाषण कौशल की गतिविधि के आकलन करते समय क्या आवश्यक नहीं है। मुझे लगता है कि शब्दकोश के उपयोग उस समय जब वो भाषण कर रहा हो तो वो शब्दकोश का उपयोग उस समय करेगा बोलते समय, ये थोड़ा सा आवश्यक नहीं लगता है मुझे। पर भाषण स्पष्टता ये आवश्यक है, संभाषण कौशल की गतिविधि का आकलन करते समय भाषण की स्पष्टता, ध्वनियों और शब्दों का उच्चारण और संदर्भ में आई हुई उचित क्रियापदों का उचित शब्दों का प्रयोग, ये भी आवश्यक है। इस दृष्टि से क्या आवश्यक नहीं है में आपको शब्दकोश का उपयोग लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए 141 हो गया, अब 142वां प्रश्न आपके इधर है। 142वां प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा या अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन, भाषा के अक्षर और ध्वनियों के संबंध का स्थापन करके जो आप पठन का अध्यापन करते हैं, पढ़ना कैसे चाहिए इसको जब आप बताने की पठनस्य अध्यापनम अस्ति, कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे सुना जाए, कैसे बोला जाए, इसको ये भी पढ़ने का विषय है। पठनस्य अध्यापनम पूछ रहा है, अक्षर और ध्वनि संबंध को स्थापित करते हैं तो क्या समग्र भाषा विधि माने होल लैंग्वेज मेथड है कि आंशिक भाषा विधि है यानी पार्ट लैंग्वेज मेथड है कि प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड है कि शाब्दिक विधि यानी फोनिक मेथड है। जब हम भाषा का अक्षर ध्वनि से संबंध करके पढ़ना सिखाते हैं तो मुझे लगता है कि शाब्दिक विधि होनी चाहिए। देखिए मैं पढ़ा तो नहीं उस विषय को, मैं क्लियरली बता दूं आपसे कि मैं शिक्षण नहीं पढ़ा हूं, ना मैं बीएड हूं, ना मैं एमएड हूं और ना ही शिक्षण में मेरी कोई गति है, लेकिन इन सबको पढ़ने के बाद एक संस्कृत शिक्षक होने के नाते जब मैं इसका अर्थ करता हूं और अर्थ करने के बाद जो मुझे अर्थ समझ में आता है और खासकर जो हमारी टीम है अरुण पांडे यानी निर्मोही और बजरंगी सर जैसे जो लोग हैं, जो लोग सीटेट वगैरह पढ़ाते हैं, जो लोग बीएड हैं, ये लोग एमएड भी हैं, ये हमसे ज़्यादा जानकार और समझदार हैं, तो इन लोगों की दृष्टि से भी जो मुझे लगा उन लोगों का जो भी मेथड है और मेरा भी जो अनुमान है उस आधार पर 142 का आपको शाब्दिक विधि सही करना चाहिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे इसलिए भी बढ़ता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस पर बढ़ूंगा भी तो क्या करूँगा, बस पढ़ के आपको उत्तर ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा की औकात नहीं है अपनी। फिर भी पाठ्य पुस्तकात बहिर्गमनम यानी गोइंग बिहाइंड टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक से आगे बढ़ो, पाठ्य पुस्तक को छोड़ करके पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना ये क्या कहा जा सकता है। पाठ्य पुस्तकें केंद्रित ज्ञानम स्यात्, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञान होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक के बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारम अधिकम न वर्धयेत। पाठ्य पुस्तक से बाहर को का मतलब यह हुआ कि छात्रों का भार अधिक ना बढ़े, झोले का भार, बस्ते का भार ना बढ़े, या पाठ्य पुस्तकम अतिरिक्त पूरक पाठन सामग्री नाम प्रबंधनम, मुझे लगता है कि यही उत्तर होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक के अलावा जो पाठ्य पुस्तकात बहिर्गमनम गोइंग बिहाइंड टेक्स्ट बुक, ये इसको हम शिक्षण की भाषा में क्या कहेंगे, तो मुझे लगता है कि पाठ्य पुस्तकम अतिरिक्त पूरक पाठन सामग्री नाम प्रबंधनम, इसको ऐसा कहना चाहिए, ठीक है।
पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करना और उससे बाहर जाना ये तो नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे लगता है कि यही पाठ्य पुस्तक अतिरिक्त पूरक पाठन सामग्री नाम प्रबंधनम, ये इसका उत्तर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसी में चिन्ह लगाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। शिक्षिका तृतीय कक्षा या विद्यार्थिना, कोई शिक्षक तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को एक आवरकम यानी एनवलप बनाने को कहता है, लिफाफा बनाने को कहता है और विद्यार्थी उस शिक्षक के निर्देश का पालन करता है। भाषा कक्षायाम एवं विधा गतिविधि सहायम करिष्यति, भाषा कक्षा में, भाषा की कक्षा में, लैंग्वेज की कक्षा में इस प्रकार की गतिविधि क्या क्या बताती है, किसमें सहायक होगी? श्रवण कौशल के विकास में, वो श्रवण कौशल का विकास कराना चाहता है टीचर, ये उत्तर होगा कि लेखन कौशल का विकास कराना चाहता है, ये उत्तर होगा कि संभाषण कौशल का विकास चाहता है, ये उत्तर होगा। मुझे लगता है कि तेषाम सृजनात्मकता या विकास है, जब वो ये बताता है उसकी सृजन शक्ति कैसे विकसित हो, शायद तेषाम सृजनात्मकता या विकास है। जब वो एक शिक्षक तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को लिफाफा बनाने का निर्देश देता है और बच्चा लिफाफा बनाने लग जाता है, इस प्रकार की गतिविधि उसकी सृजनात्मक उसकी रचनात्मक शक्ति का विकास करना, शायद इस ये उत्तर इसका सही होना चाहिए। ठीक है, तेषाम सृजनात्मकता या विकास है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सकता हो इन 15 प्रश्न जो शिक्षण के हैं उनमें मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन चूंकि पेपर हल हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो उत्तर बताना था और हम जाते कुछ हल करके आते, तो हम क्या हल करके आते, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। लेकिन जो शुरुआत के गद्य के हैं वो उत्तर 100% सच होंगे ऐसा मुझे लगता है, और इधर सब 50-50 की संभावना हो सकती है, हो सकता है सही भी हो सकता है ना भी हो। खैर आगे बढ़ते हैं, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक प्रश्न ये भी मिलेगा, संविधान की 343 के खंड 2 में इस अनुच्छेद के अनुसार आंग्ल भाषा, इस अनुच्छेद के अनुसार क्या इस अनुच्छेद में बताया गया कि आंग्ल भाषा राजकीय भाषा, ये कि आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति, यही इसमें सही होना चाहिए। हमारी टीम ने हमको यही बताया कि सर संविधान के 343 के खंड 2 में आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा के रूप में है ऐसा उसमें लिखा है, और हमारे निर्मोही सर के भाई साहब संविधान के ज्ञाता हैं, उनसे फ़ोन करके पूछा गया तो उन्होंने भी यही सलाह दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको 145 में दूसरा सही करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा बिना व्याख्या किए धीरे से हम निकल लें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे में दूसरा बोल दे और आपको ये लगे कि जो आप सही किए हों उसको बिल्कुल सही रखिएगा। अगला है 146, अधस्तनेषु अभिजात भाषा या किम निकषम नास्ति, जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसके लिए कसौटी कौन सी नहीं है। मुझे लगता है कि तीनों कसौटियां होनी चाहिए कि भाषा का मौलिक साहित्य परंपरा इतर भाषा वर्गेभ्य उद्धृत साहित्यम न स्वीकुर्यात, और भाषा 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, भाषा का प्राचीन साहित्य और महाकाव्य होना चाहिए, लेकिन भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे हो ये जरूरी नहीं है। चूँकि पूछ रहा है कि अधस्तनेषु अभिजात भाषा या किम निकषम नास्ति पूछ रहा है, तो ये तीनों निकष हैं और यही नास्ति में ये पहला वाला विकल्प सही होना चाहिए 146वां ऐसा मुझे लगता है। फिर 147वां प्रश्न है कि विद्यार्थी नाम श्रवण कौशल से आकलनम करतुम शक्यते, विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन आप कैसे कर सकते हैं, अधिक मौन वाचन करा के अधिक मौन वाचन का अवसर देंगे तो क्या आप श्रवण कौशल का आकलन कर पाएंगे, मौन भाषण से मौन वाचन से कोई श्रवण कौशल का आकलन कर पाता है क्या। छात्रान भ्रमणार्थम वही नहीं तो छात्रों को बाहर ले जाकर या प्रतिदिन फिर से अभ्यास करा के, हाँ ये हो सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि ये चौथा सही हो, कक्षायाः वर्णनम कृत्वा कथायाः वर्णनम कृत्वा, कथा का वर्णन करें और लड़का उसको सुने, फिर उसके बाद बोध परक प्रश्न फिर उससे आप प्रश्न पूछें, तो उसके श्रवण कौशल का आकलन आप कर सकते हैं कि उसने कितना सुना। जब आप कोई कहानी सुनाएंगे कथा सुनाएंगे फिर उससे प्रश्न पूछेंगे तो आप ये जान सकते हैं कि आपने जो कहानी सुनाई बच्चे ने कितना सुना, चूँकि संभाषण कौशल का आकलन आप कर रहे हैं तो कोई कथा सुना करके फिर सवाल पूछेंगे, देखो सवाल का जवाब अच्छे से दे रहा है मतलब उसका श्रवण कौशल अच्छा है ऐसा आप कह सकते हैं, इसलिए चौथा विकल्प सही होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। मैं बिना पढ़े लिखे बोल रहा हूं, एकदम सोच समझ करके कि यदि मैं टीचर होता तो क्या करता, शायद ये वाला ज्यादा उत्तर अच्छा है 147। अब आ जाइए 148 में, 148वां प्रश्न है कि पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ, पढ़ने की जो पहली प्रारंभिक स्थिति होती है उसको शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, किसमें प्रारंभिक स्थिति में, जब बच्चा छोटा हो
और शिक्षक पढ़ा रहा हो, ऐसे में शिक्षक को प्रारंभिक स्थिति में, पढ़ने की प्रारंभिक स्थिति में क्या ध्यान देना चाहिए? तो इसमें से उत्तर आप देख लीजिए, अक्षर ध्वनि के समन्वय में, कि पठनस्य शुद्धता में, कि भाषा की वर्णमाला या कंठस्थीकरण में, कि पठनस्य प्रवाह में। मुझे लगता है अक्षर और ध्वनि के समन्वय में ध्यान देना चाहिए। जब प्रारंभिक स्थिति होती है तो अक्षर सही से निकले, उसका ध्वनि सही से, अक्षर और ध्वनि का सही समन्वय बने, ये ज़्यादा अच्छा उत्तर है। बाकी और भी उत्तर हो सकता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि उत्तर यही होना चाहिए। पठन से प्रारंभिक स्थितौ शिक्षका ध्यानम दद्यात्, किसमें? अक्षर ध्वनि के समन्वय में। आगे आइए, आगे अगला प्रश्न है कि श्रवणम पठनम चैव, ये तो एकदम सही है, ये तो मैं भी जानता हूँ। श्रवणम पठनम चैव ये ग्रहणात्मक कौशल है। श्रवण और पठन ये कैसा कौशल है? ग्रहणात्मक कौशल। सुनेंगे और पढ़ेंगे, इससे आप ग्रहण करेंगे। कोई चीज़ सुन करके आप ग्रहण करते हैं, कोई चीज़ पढ़ करके आप ग्रहण करते हैं। तो सुनना और पढ़ना, किसी भी विषय में कोई बात आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये ग्रहणात्मक कौशल है। 149 का आप 3 सही कर लीजिए। हाँ, इस पर मैं एकदम श्योर हूँ कि एकदम यही होना चाहिए, अथवा ऐसा कह लीजिए कि शिक्षण का यही भर प्रश्न मैं जानता हूँ। आप इसके आगे आप चलेंगे तो 150वां है कि युव लेखका नाम, लिखा युव लेखका नाम, युव लेखका नाम आवश्यकता अनुसारम शिक्षका प्रतिक्रियाम कुर्यात। यदि कोई युवा लेखक, कक्षा 10 का, कक्षा 11 का, 12 का, या कोई युवा लेखक और आप टीचर हैं, तो शिक्षक क्या, शिक्षक को क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए अपने युवा लेखक, जो आपका छात्र है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? त्रुटि नाम उपेक्षाम कर तुम निर्देश, क्या त्रुटियों की उपेक्षा करो, ऐसा निर्देश दे करके आपकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि आप गलती सुधारो। कि कक्षायाम तेषाम उत्तम लेखनार्थम सम्माननम कृत्वा, कक्षा में उसके उत्तम लेखन का सम्मान करके आप ये आए जी टीचर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये पूछ रहा है। तय कर्ता नाम व्याकरणगत त्रुटि नाम विस्तृत प्रतिपुष्टिम दत्वा, उसके द्वारा जो अपने लेखन में व्याकरणगत त्रुटियां की गई हैं, गलतियां की गई हैं, उनकी आप विस्तृत एक रिपोर्ट पेश करेंगे कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा सही करो, ऐसे सही करो। कि तय सम्यक कार्यम कृतम, उसके द्वारा सही कार्य किया गया, इति प्रशंसाम कृत्वा, उसकी प्रशंसा करके, तेषाम कृतभ्या उद्धरणं कृत्वा, और कृतियों से उद्धरण देते हुए विशिष्ट टिप्पणीं च दत्वा, और उसके उस लेख पर विशिष्ट टिप्पणी आपकी हो। मुझे लगता है ये ज़्यादा सही है, और भी सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही जो हो उस पर बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका ये वाला सही उत्तर होना चाहिए। 150 प्रश्न थे, मैं 150 प्रश्नों पर आपसे चर्चा कर रहा था। हो सकता है कुछ प्रश्न शिक्षण के हमसे गलत हो गए हों, उसके लिए मैं बार बार आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ज्यादा संभावना है कि 90% आप भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और इसके बाद 8 बजे से हम लाइव आते हैं प्रतिदिन शाम को, तो जो लोग यूपी टेट का मॉडल पेपर लेकर के, तो जो लोग 8 बजे से जुड़ना चाहें वो लोग इसमें जुड़ सकते हैं। यूपी टेट जो 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, उसमें 30-30 प्रश्नों के मॉडल पेपर होते हैं, उनको मॉडल पेपर लेकर के मैं प्रतिदिन आता हूं। बस आज इतना ही, फिर किसी नए वीडियो के साथ मैं ज़रूर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार संस्कृताय।